हेलो एवरीवन, कैसा है आप लोग। तो देखिए कि एडिटोरियल है, मुझे लग रहा है अच्छा है ये। इन डाइवर्स इंडिया नेम चेंज डिमांड कंसेंसस, देखते हैं क्या है। एन ऑफिशियल इनविटेशन सेंट आउट बाय राष्ट्रपति भवन इन कनेक्शन विद द G20 समिट इन न्यू दिल्ली अंडर द इंडियाज प्रेसिडेंसी विच कैरीड द नोमेनक्लेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज प्रेसिडेंट ऑफ भारत। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम, तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने डिनोट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत से। सेट ऑफ अ कॉन्ट्रोवर्सी, तो ठीक है, इसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, बहुत हुई है, हमने देखा है। द कॉन्ट्रोवर्सी इज सिम्टोमेटिक ऑफ द प्रेजेंट डे पॉलिटिकल एटमोसफियर कैरेक्टराइज बाय एन इंटेंस डिस्ट्रस्ट ऑफ ईच अदर। इंटेंस डिस्ट्रस्ट ऑफ ईच अदर, बात तो सही है। एक्सट्रीम एंड इन एक्सप्लिकेबल रिवेंजफुलनेस एंड हाइटेंड रिवेंज, भाई साहब ये कहाँ कहाँ से ऐसे ऐसे वर्ड लाते हैं। ऑन द पार्ट ऑफ द पावर बिल्डर्स एंड वाइड स्प्रेड एंगजाइटी अबाउट द फ्यूचर ऑफ कंट्री। ठीक है भैया, एक बार सब मैं भी डिक्शनरी लेकर बैठूंगा तब ये पैराग्राफ समझा जाएगा। मतलब बात इतनी हो रही है कि आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा है। ठीक है, देर हैज बिन नो एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिशियल स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द सडन चेंज। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। पहली बात तो क्यों दें एक्सप्लेनेशन, अगर मानो तुम्हारा घर का नाम XYZ है और तुमको प्यार से चिंटू बुलाया जाता है, तो तुम कभी बोल दो चिंटू ने बुलाया है, कभी बोल दो XYZ ने बुलाया है, तो क्या इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या? नहीं ना, तो वही चीज़ है। तो फ्रॉम ऑफिशियल्स, ठीक है ये हो गया, यहाँ से नहीं आया है अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन। दी एब्रप्ट चेंज इज अ वेरी फॉर्मल ऑफिशियल कम्युनिकेशन इन अ वेरी फॉर्मल ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम द हेड ऑफ द स्टेट कॉज द नेशन अनअवेयर्स अपोलॉजिस्ट ऑफ द पावर दैट बिकेम आउट विद दी प्रपोजिशन दैट द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंटरचेंजेबल एज भारत एज इट इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बात सही है, ये तो इंटरचेंजेबल है, चिंटू बुलाओ, छोटू बुलाओ, कुछ भी बुलाओ। ऐसे यहाँ पे चिंटू छोटू मजाक नहीं है, इंडिया और भारत एक ही है। आर्टिकल 1 आप प्लीज एक बार रेफर करिए। देयर फॉर भारत कैन बी यूज, तो भारत तो यूज हो सकता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट समवन वॉज हर्ड सेइंग दैट ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज टू भारत इज अ रेजोल्यूशन टू द इफेक्ट इन पार्लियामेंट। कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इट वॉज इवन सजेस्टेड दैट द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक वुड जस्ट डू दैट। इट इज अ बिट सरप्राइजिंग दैट सम सीनियर एडवोकेट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू क्लेम इन देयर कंसिडर्ड ओपिनियन ऑफ कोर्स इन फेवर ऑफ प्रपोजिशन हाईलाइटेड अबव। तो उन्होंने मतलब ये बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी बात मेरे को लग रही है सरप्राइजिंगली, सुप्रीम कोर्ट के कुछ एडवोकेट्स, क्यों इनको, इन्होंने आर्टिकल 1 नहीं पढ़ा था। इंडिया डेट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स यहाँ पे बोला गया है, तो इंडिया डेट इज भारत का मतलब क्या है? क्या अभी नाम अलग है इंडिया का? तो वही चीज़ है भारत से, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। बिफोर द होल इशू ऑफ चेंजिंग द नेम ऑफ कंट्री एंड द मैनर इन विच दी विन इन विच इट इज बींग हैंडल आर कंसिडर्ड, इट इज नेसेसरी टू मेक इट क्लियर दैट पार्लियामेंट हैज द एब्सोल्यूट पावर टू चेंज द नेम ऑफ द कंट्री एट एनी टाइम बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स पार्लियामेंट टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंक्लूड्स द नेम ऑफ द कंट्री एज मेंशन इन द आर्टिकल 1। तो 368 आर्टिकल में आप जाके अमेंड कर सकते हैं जहाँ पे नेम मेंशन है कंट्री का, जो आर्टिकल 1 है आपका, ये बोला जा रहा है। और ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। बट द पब्लिक हैज बीन लेफ्ट अगेस्ट बाय द जनरल ककोफोनी विच हैज लेफ्ट देम नन वाइजर एज फार एज द इशू इज कंसर्न। भैया आराम से अच्छे लैंग्वेज में भी तो बता सकते हो, मैं कहाँ पे इसका डिक्शनरी खोजूँ। चलो ठीक है, द हिंदू का आर्टिकल है, इसी से समझ जाओ। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू सो लेट अस एग्जामिन द होल इशू ऑफ द चेंज ऑफ नेम ऑफ कंट्री फ्रॉम अ प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो अब यहाँ पे काम की बात आ रही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि क्या इशू है। फर्स्ट, द इन्वाइट दैट वेंट आउट फ्रॉम राष्ट्रपति भवन, दिस इन्वाइट यूज टू यूज द नोमेनक्लेचर प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो ये जो इन्विटेशन गया था तो उसमें लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो आज तक लिखा आ रहा है। तो मतलब बस भारत इंडिया इंटरचेंज किया गया है। इनफैक्ट एट द मोमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग देर इज नो प्रेसिडेंट ऑफ भारत इन द कंट्री। आर्टिकल 52 सेज दैट देर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला गया, भारत ने। दिस इज द ऑफिशियल नोमेनक्लेचर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट विच कैन नॉट बी चेंज इन टू एनीथिंग एल्स अनलेस आर्टिकल 52 इज अमेंडेड सुटेबली। तो मतलब यहाँ पे बात हो रही है आर्टिकल 52 को अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है देर मस्ट बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो
तो वहाँ पे आप लिख सकते हो द अमेंड करके अगर आपको डालना है तो। वैसे हाँ ये चीज़ मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ तो मुझे वो हो रहा है कि यहाँ पे हो सकता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्लैश प्रेसिडेंट ऑफ भारत, या इंडिया स्लैश भारत, क्योंकि एक ही चीज़ है। दस इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट द टर्म प्रेसिडेंट ऑफ भारत इज नॉट द कन्फॉर्मिटी विद आर्टिकल 52 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ इस पॉइंट से। आर्टिकल 1 सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये मैंने आपको बताया है। दीज वर्ड्स बाय नो मीन सिग्निफाई दैट द वर्ड इंडिया एंड भारत आर इंटरचेंजेबली एंड दैट भारत कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ इंडिया एज द ऑफिशियल नेम ऑफ द कंट्री। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये इंटरचेंजेबली का यहाँ पे इसका मतलब नहीं है कि इंटरचेंज करके बोल सको। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द वर्ड भारत इज नॉट यूज इन एनी ऑफ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट इन द हिंदी वर्जन विच वॉज पब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 394A। तो इस आर्टिकल के अंदर में जो हिंदी वर्जन आया है बस वहीं पे भारत नाम यूज है और कहीं पे भारत का मेंशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर द आर्टिकल 1। ठीक है, टोटली माना जा रहा है इस बात को। इफ द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वॉज टू यूज द वर्ड भारत इंटरचेंजेबली दे वुड हैव यूज इट इन सम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज ऑथेंटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली सो डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल सो डिस्क्राइब अंडर आर्टिकल 393। इन दिस कॉन्टेक्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रू इम्पोर्ट ऑफ वर्ड्स इंडिया दैट इज भारत। अब ये क्या है यूज इन आर्टिकल 1, द वर्ड दैट इज, यहाँ पे जो दैट इज है ना तो इसका मतलब बताया जा रहा है। तो वर्ड दैट इज आर क्लैरिफैक्टरी हुज फंक्शंस इज टू एक्सप्लेन और फर्दर क्लैरिफाई द प्रिसीडिंग वर्ड इंडिया। दस इफ इट इंटरप्रेट दैट आर्टिकल 1 वुड मीन इंडिया दैट इज नोन एज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 इन हिंदी ट्रांसलेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज भारत मीन्स इंडिया। ठीक है, समझ आ रहा है, विच शोज दैट भारत इज ट्रीटेड एज ट्रांसलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब सिंपल सी बात ये कह रहे हैं भारत दैट इज इंडिया, इसका मतलब यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन बताया जा रहा है कि भारत का हिंदी का ट्रांसलेशन, अरे इंडिया का हिंदी का ट्रांसलेशन भारत है और भारत का इंग्लिश का ट्रांसलेशन इंडिया में है। क्योंकि हिंदी में अगर हम लोग आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है भारत मीन्स इंडिया, तो मतलब होगा भारत जिसका मतलब इंडिया, तो वो है। ये इंटरचेंज के जगह पे ट्रांसलेशन का ज्यादा काम कर रहा है। इन अदर वर्ड्स द वर्ड भारत डज नॉट स्टैंड एज एन इंडिपेंडेंट वर्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज टू बी यूज ओनली इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्दर आर्टिकल 394 क्लॉज 2, देखिए 394 क्लॉज 2 सेज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कंस्ट्रक्टेड कॉन्स्टिट्यूटेड टू हैव द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल, देयरफॉर देयर ऑफ दिस क्लॉज reinforces the point that word Bharat is the translation of word India। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज 394 क्लॉज ए सब क्लॉज 2 में जो आर्टिकल में बताया गया है कि ये ट्रांसलेशन जो है उससे इंग्लिश मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए ये चीज डायरेक्ट बता रहा है कि ये जो डैट इज लिखा है इंडिया डैट इज भारत, हम लोग इतने दिनों से जो इंटरप्रेट कर रहे थे कि एक ही चीज है, हाँ है एक ही चीज मान रहा हूँ मैं, पर ये ट्रांसलेशन है हिंदी में इंडिया जिसका नाम भारत है, तो वो ट्रांसलेशन है इंडिया का ट्रांसलेशन हिंदी में। एज यूज इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिया इज एन ऑथेंटिक नेम ऑफ कंट्री अंटिल इट इज लीगली चेंज, और इंडिया इसका ऑथेंटिक नेम है जब तक लीगली चेंज ना किया जाए। विल सो कन्फ्यूजन, देखते हैं, सो मतलब वहाँ पे डालना बीज बोना बोना। द यूज ऑफ भारत इंटरचेंजेबली विथ इंडिया इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन कैन क्रिएट अ ग्रेट डील ऑफ कन्फ्यूजन। द ऑफिशियल नेम ऑफ दिस कंट्री इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ऑफिशियल नेम देखिए रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। दिस इज द नेम यूज इन ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन सेंड टू फॉरेन कंट्रीज एंड इंटरनेशनल बॉडीज, एग्रीमेंट एंड द ट्रीटीज एंटर्ड इन टू विथ फॉरेन कंट्रीज आर इन नेम ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो मतलब फॉरेन ट्रीटी हो, फॉरेन कंट्री से कोई बातचीत हो, कोई कम्युनिकेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज जैसे IMF, इन सबसे यहाँ पे भारत का नाम, अपने इंडिया का नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है एंड नॉट रिपब्लिक ऑफ भारत। यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ भारत नहीं इसको बोला जाता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोला जाता है। इफ भारत इज यूज इंटरचेंजेबली द फॉरन गवर्नमेंट्स विल थ्रो इन टू अटर कन्फ्यूजन इन सम एग्रीमेंट्स विथ फॉरन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बॉडीज इंडिया विल बी शोन एज रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड इन सम अदर
एज रिपब्लिक ऑफ भारत। तो ये कह रहे हैं बाहर हम लोग तो भाई चलो यूज कर लिए, समझ में आ रहा है। अब इंडिया जो बाहर एग्रीमेंट कर रहा है या कुछ कर रहा है, जो भी कम्युनिकेशन ही नॉर्मल हो रहा है, तो हो सकता है कोई कंट्रीज उसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोले और कोई कंट्रीज उसको रिपब्लिक ऑफ भारत बोले। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है फॉरन फॉर मतलब आपकी जो फॉरेन कंट्रीज है, फॉरेन इंटरनेशनल बॉडीज है, उनके लिए। अ कंट्री कैन हैव ओनली वन ऑफिशियल नेम, इट कैन बी आइदर इंडिया और भारत, नॉट बोथ। तो यहाँ पे साफ बोल दिया गया है, इन्होंने बोला है आपके जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी है लोकसभा के, पीडीटी आचार्य, इन्होंने आचारी, इन्होंने साफ बोला है कि इसका एक ही नाम होना चाहिए, इंडिया या भारत एक ही नाम, मतलब जो आपका ऑफिशियल नेम होता है वो एक ही हो सकता है, दोनों नहीं। क्योंकि हाँ ऑब्वियसली आपके मार्कशीट पे तो एक ही नाम है ना, चिंटू पिंटू छोटू मार्कशीट पे थोड़ी है, चाहे आपको हिंदी में जो बुलाते हैं वो मार्कशीट पे थोड़ी है आपका नाम। अ पर्सनल ऑफ द डिबेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शोज दैट आर्टिकल 1 इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज वर्डेड इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, द वर्ड भारत वॉज एडेड लेटर ड्यूरिंग द डिबेट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रेशर फ्रॉम मेनी मेंबर्स टू यूज भारत इंस्टेड ऑफ इंडिया। मेनी फॉर्मुलेटर्स वर सजेस्टेड अ मेंबर सच एज एच वी कामनाथ, के टी शाह, सेठ गोविंददास और शिबन लाल सक्सेना, बट देखिए बट बी आर अम्बेडकर आ गए अपने प्लेयर, बी आर अम्बेडकर एडेड द वर्ड दैट इज भारत एज अ कॉम्प्रोमाइज, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज के तौर पे ऐड किया। ही नेवर वंस सेड दैट भारत कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मैं किसी को यहाँ पे गलत किसी को सही नहीं कह रहा, इन लोगों का अलग एजेंडा हो सकता है भारत डालने का, इनकी थॉट प्रोसेस अलग हो सकती है बी आर अम्बेडकर जी की। इनको हो सकता है कि भाई हम अपनी हिंदी क्यों छोड़े, हमारा भारत का नाम है और हम कॉलोनियल माइंडसेट के साथ नहीं चलेंगे, पहले भी भारत कहलाया है, राजा भरत के नाम से भारत लिया गया है तो आज भी भारत कहलाएगा, ये आपके यूरोपियंस ने हमें इंडिया नाम दिया है तो हम इंडिया नहीं लेंगे, और यही चीज़ बी आर अम्बेडकर की कोई और थिंकिंग रही होगी कि नहीं हमें इंडिया रहनी चाहिए। तो कोई गलत सही नहीं है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसीलिए आप देखिए दोनों वर्ड डले गए हैं। मैं इसको इतना स्ट्रांगली नहीं बोल सकता जैसे ये बोल रहे हैं आपके जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कह सकता हूँ, मैं इसको साफ बोल सकता हूँ उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया और उनके वर्डिंग्स को भी समझा, उनके फीलिंग्स को समझा और उसको इंकल्केट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉम्प्रोमाइज़ मेरे लिए सही वर्ड नहीं होता, बी आर अम्बेडकर कॉम्प्रोमाइज़ कभी किए ही नहीं जिंदगी में अपने, वो कॉम्प्रोमाइज़ करते तो आज जितना बड़ा उनका नाम है वो होता नहीं। तो मेरे हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है ये, उनका मतलब एक उनका बड़प्पन है कि वो दूसरों की बात को सुने, ये उनका कैरेक्टर दिखा रहा है हमें, सीखने लायक चीज है उनसे। नहीं तो वो चाहते तो अपना पॉइंट, अगर उनका यही पॉइंट था तो वो उस पर अड़े रह सकते थे। चलिए, अ स्ट्रेंज आइडिया ऑफ कॉलोनियल डिस्टेंसिंग, द चेंज ऑफ नेम ऑफ अ कंट्री कैन नॉट बी एंड शुड नॉट बी डन एज द एजेंडा ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अरे यार पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा कहाँ है इसमें। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया देयर इज नीड टू बी कंसेंसस ऑन दिस, पीपल इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री मस्ट बी एबल टू इमोशनली कनेक्ट विद द नेम, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ सेंस ऑफ एलियनेशन अमंग सम सेक्शन और द अदर। द वियर्ड आइडिया ऑफ लिबरेशन फ्रॉम इंडियाज कॉलोनियल पास्ट वुड लीड अस टू डिमोलिश ऑल सिंबल ऑफ कॉलोनियलिज्म सच एज राष्ट्रीय भवन, पार्लियामेंट हाउस एंड असेंबली बिल्डिंग। अरे बेवकूफ, अभी तो मेरे को ऐसी लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा ना, क्या ये उनके पैसे से बना है, हमारा बस चले तो हम जाके उनका राष्ट्रीय भवन भी राष्ट्रपति भवन क्लेम करें उनका जो है, कि वो भी हमारे पैसे से बना है, तो ये उनके पिताजी आके नहीं बनवाए थे, हमारा पैसा लगा है यहाँ पर, तो क्यों इसको डिमोलिश करें हम लोग, क्या बात कर रहे हो यार बेवकूफ़ एक नंबर के। द असेंबली बिल्डिंग एंड कम्प्लीटली चेंज द होल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दैट इज प्रेलेवेंट एज वेल एज मैनी अदर थिंग्स। भैया हमने कोई स्ट्रक्चर किसी से कॉपी नहीं किया है, हमने उस समय की बेस्ट प्रैक्टिसेस ली है, ये बेवकूफ़ आदमी लग रहा है मेरे को जो भी है। द एंटायर रेलवे सिस्टम ऑफ इंडिया इज ऑल्सो सिम्बल ऑफ कॉलोनियल पास्ट। हाँ तो किसने पैसा दिया था इसका, इंडियंस ने दिया था, तो ये किसका हुआ, इंडियंस का हुआ, पता नहीं यार क्या सोच है इन लोगों की। दस दिस न्यू फाउंड एंटी कॉलोनियल एक्सक्यूबरेंस सिट वेल इन द आइडिया ऑफ वासुदेव कुटुंबकम डेट वॉज द मोटो ऑफ। हाँ भाई बहुत अच्छे से इसमें सेट हो रहा है, और यहाँ पे मैं एक और पॉइंट छोड़ दूँ, ये पढ़ के ही मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया कि इन लोग का माइंडसेट क्या है। यहाँ पे एक और पॉइंट मेरे को बड़ा बेकार लगा था, जस्ट अ सेकंड में आपको बताता हूँ। लाइक इंडिया देयर नीड्स टू बी कंसेंसस ऑन दिस, पीपल इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री मस्ट बी एबल टू इमोशनली कनेक्ट।
एक बात बताओ, इंडिया से इमोशनली कनेक्ट करेंगे कि भारत से? पहली बात तो हम दोनों से करते हैं, और जिसको हिंदी नहीं आती है वो तो, मतलब इंग्लिश नहीं आती है, वो तो भारत से कनेक्ट करेगा ना, मतलब इंडिया से ऑब्वियसली करेगा। पर अब देखो ये कैसे कोई बोल सकता है कि भारत से कनेक्ट नहीं करेगा कोई? भारत माता की जय जब कोई बोलता है, और बच्चा से बच्चा बूढ़ा से बूढ़ा बोलता है, तो वो इंडिया माता की जय नहीं बोलता है, भारत माता की जय बोलता है। तो ये मेरे को, ये आदमी मेरे को बेवकूफ लग रहा है। अब जो भी है, मैं क्या रिस्पेक्ट करूँ जब ये इतना नहीं समझ पा रही है हमारे पैसे से बना है। कह रहा है तुम यहाँ पे अपना पॉइंट दिए 52 वाला, ये सब मेरे को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, पर ये पॉइंट मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, अगर कॉलोनियल डिस्टेंसिंग करनी है तो इंग्लिश से डिस्टेंस बनाओ। ये लोग कुछ भी बोलते हैं, ये मैं अपना बता रहा हूँ। खैर मेरे को कुछ सही नहीं लगा इस आर्टिकल में। बस अगर आप लोग को अगर कुछ पढ़ना ही है इस आर्टिकल में, मैं आपको बता देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो आप आर्टिकल 1 पढ़ो, ठीक है, आर्टिकल 52 पढ़ो, ठीक है, आर्टिकल आप यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 394A पढ़ो, 394A पढ़ो, और 394A आर्टिकल 394A क्लॉज, सब क्लॉज 2 पढ़ो, ठीक है। और एक चीज़ याद रखो, ये बेवकूफ़ वो होता है ना कि जो बहुत अच्छा आदमी होता है उसमें भी एक बुराई होती है, और जो बहुत बुरा आदमी होता है उसमें भी एक अच्छाई होती है। इस आर्टिकल में इतना अच्छा लगा, ये जो इंडिया डैट इज़ भारत लिखा है, ये जो डैट इज़ है, दिस इज़ यूज फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है, ये और कोई पर्पस नहीं है, ट्रांसलेशन है। इंडिया का एक ही इनका इशू मेरे को अच्छा लगा कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा फॉरेन वर्ल्ड में, और एक ही नाम ऑफिशियल नेम हो सकता है। पर एक चीज़ बताओ, कोई भारत लिखे कोई इंडिया लिखे, हमें क्या, हम तो इतना समझ पा रहे हैं ना दोनों नाम हमारे लिए, और उनको भी पता है हमारे, तो इसमें मेरे को कोई गलत नहीं लग रहा है। तो ठीक है, इनके हिसाब से एक होना चाहिए, मेरे हिसाब से भारत भी ठीक है, और मेरे हिसाब से ये स्टेप बहुत सही है कॉलोनियल पास्ट से डिस्टेंसिंग करने का। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें करके आगे बढ़ा जाएगा, और इसको इतना इशू बनाने का जरूरत नहीं था। हाँ, जबकि ये जो आर्टिकल 52 से लेके पूरे इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है भारत का नेम, ऑब्वियसली उसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू को, एंड वहाँ पे अमेंडमेंट ला करके, एक सिंपल छोटा अमेंडमेंट आएगा, उसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया लिखा है वहाँ वहाँ इंडिया/भारत लिख देना है, तो सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे इन लोग का सॉल्व हो जाएगा। कि यहाँ पे आर्टिकल 393 भी है, देख लीजिए 393, इतनी सारी चीज़ें हैं थी इस आर्टिकल में। और भैया हमारा पूरा पैसा लगा है, लंदन भी हमारे पैसे पे बसा है, ब्रिटेन भी हमारे पैसे पे बसा है, कभी बस चले जाके उसको भी ले आए, इसको क्यों तोड़वाए हम लोग। तो ठीक है गाइस, ऑल दी बेस्ट एंड वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।